नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। नित्य न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की, और मैं आपके साथ विनोद कुमार। की बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना से आ रही है, जहां मुरैना में मिरगान चौकी से SLR राइफल चोरी का मामला सामने आया। राइफल चौकी के दूसरे कमरे में मिली। एडिशनल SP राज सिंह नरवरिया का बयान, स्टाफ ने दी चोरी की सूचना, अब संपूर्ण असले का कर रहे मिलान। असले वाले कमरे की थी कुंडी टूटी, क्या हुआ चोरी कर रहे मिलान। मिरगान चौकी स्टाफ ने दी थी सूचना अधिकारियों को, राइफल की चोरी की सूचना। मुरैना से उषा शुक्रवार की खास रिपोर्ट। ये जो है, यहाँ चौकी पर दो आरक्षक हैं अभी, और एक चौकी प्रभारी हैं, उनका अभी उपचार चल रहा था। रात्रि में करीबन 4-4:30 बजे के लगभग इन्होंने बताया कि यहाँ राइफल जो मिसप्लेस हैं और एक कुंडी जो टूटी हुई है, तो कुछ कार्टिज भी हैं वो भी जो है नहीं है उसमें। तत्काल जो है TI अपने जो है दिमनी और हम लोग जब यहाँ आए, जब देखा और उसके बाद जो बाहर से जो अपना डॉग वगैरह ये सब दिखवाया, अंदर जो है राइफल उसी जो आरक्षक जो सोता है उसी के कमरे में राइफल रखी हुई है और कार्टिज भी कुछ पड़े हुए हैं, उनका मिलान कर रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया चोरी हुई है अथवा नहीं हुई है, इंटरनल मैटर है। इन्होंने जो रिपोर्टिंग की है उसमें कैसे रिपोर्टिंग की कि जब राइफल उसके कमरे में रखी थी, पहले अपने यहाँ परिसर में देख लेना चाहिए था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं स्वयं पुलिस अधीक्षक, बाकी सब हमारे सीनियर अधिकारी हैं, CSP और TI, उनको भी यहाँ मौके पर लगाया था। तो अभी प्रारंभिक जाँच चल रही है कि आखिरकार क्या था, ये घटना हुई है अथवा कैसी है, ये सब इंटरनल जो चीज़ें हैं। सर, अभी तक कितनी राइफल गायब होने का पता चला? सर, गायब नहीं हुई है, राइफल वहीं रखी हुई है। उन्होंने जो रिपोर्टिंग की थी कि राइफल जो है यहाँ से गायब है, चोरी हो गई है, ताला तोड़ दिया है, तो ये रिपोर्टिंग की बात 4:30 बजे पता चली थी। तो अभी जो है दिखवाया, सर्च करवाया राइफल, अभी उसमें फिंगरप्रिंट वगैरह सब जो करा रहे हैं, कार्रवाई देख रहे हैं उसमें वेरिफिकेशन में क्या है, कार्टिज कितने हैं यहाँ पे, कितने इशू हुए हैं, कितने पड़े हुए हैं। 30 के लगभग कार्टिज हैं यहाँ पे, और जो है राइफल दो हैं वो अभी उसी के आरक्षक जो रहता है उसके कमरे में ही रखी हुई हैं। तो ऐसी कोई प्रथम दृष्टया ऐसी घटना कि राइफल चली गई है ऐसा, और जो अपना जिस कमरे में रखी रहती हैं उसकी कुंडी जो है नीचे से टूटी हुई है, ये सब बारीकी से उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, निरीक्षण। जैसी स्थिति होगी कि क्या घटनाक्रम है, अगर थेफ्ट होगी या वो होता तो राइफल कमरे में नहीं मिलती। चोर कहाँ से आया, किस प्रकार से हो गई? अभी चोर आया है तो राइफल छोड़ के क्यों गया, बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं इसमें। बारीकी से अभी जो काम चल रहा है कि राइफल चोरी गई नहीं है, राइफल वहीं रखी हुई है उसी के कमरे में, उसी के बेड के पास में, तो उसने रिपोर्टिंग कैसे की है और क्या है, ये सब जो है अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, और बाकी उनका जो घटना है, घटनाक्रम है, उसका पूरा वेरिफिकेशन करके ही कर बता पाएंगे क्या।